आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की विधायक दल की मीटिंग में यह निर्णय हुआ है कि झारखंड प्रदेश की जो ज्वलंत सबसे बड़ी मुद्दा है, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि जेपीएससी में 49 छात्र जिनका ओएमआर सीट गायब पाया गया, पहले वे उत्तीर्ण थे और अभी उनको जेपीएससी ने फेल करने का काम किया, तो प्राइमा फेसी ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं 49 लोगों को जेपीएससी ने गलत ढंग से पास किया, इसके पीछे कितने लोग गलत ढंग से पास किए हैं ये जांच का विषय है। इसीलिए कल के सदन में सबसे ज्वलंत जो मुद्दा है कि जेपीएससी एग्ज़ाम को अविलंब रद्द करे और सीबीआई की जांच हो, और तीसरी बात जो जेपीएससी के वर्तमान चेयरमैन हैं उनको बर्खास्त करने का ये सरकार काम करे। वैसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं झारखंड में, जिस तरह से जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन सरकार 2 साल पूर्व अपने घोषणा पत्र में कई वादे यहाँ के नौजवानों से किसानों से किए कि हर साल 5 लाख नौकरी देने के वादे से लेके 5,000-7,000 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने के नाम से, कई मामलों में सरकार ने जितने वादे किए वो सभी मामले में सरकार फेल रही। अभी आप देख रहे होंगे कि हर वर्ष 15 नवंबर से धान क्रय होना प्रारंभ हो जाता था। सभी पूरे झारखंड प्रदेश में जो किसान धान को की कटनी किए, मिसनी किए और एक महीना से अपने धान को बेचने के लिए इंतजार बहुत सारे किसान नहीं कर पाए, लगभग 80% किसान अपना धान को बाजार में 10-11 रुपये मूल्य में बेचने पर लाचार हुए, क्योंकि उन्हें आलू लगाना है, मटर लगाना है, पूंजी का अभाव है। सरकार चाहती नहीं है कि एमएसपी पर जो सरकार जो अभी निर्णय ली है कि 20 रुपया 50 पैसा प्रति किलो वो लेगी, उनका इरादा है कि किसान अपने धान को औने पौने दाम पर बेच दें और सरकार को ये उनका किसानों का धान नहीं लेना पड़े।